दोस्तों नागिन 6 से एक बड़ी अपडेट सामने निकलकर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि नागिन 6 में आने वाले कुछ समय में 30 जनवरी से एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बाद में शूटिंग ना होने के कारण आपको कुछ एपिसोड नहीं दिखाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से एकता कपूर ने ये ऑफिशियल खबर दी है कि जिस तरीका से शुरू में आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए ये शो एयर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि रूबीना दिलेक का नाम एकता कपूर ने काफ़ी समझदारी के साथ में लिया था, लेकिन एकता कपूर ने बाद में फिर जाकर आपकी अपनी फेवरेट स्टार यानी रूबीना दिलेक का नाम नागिन 6 से बाहर कर दिया और इस विषय में रूबीना दिलेक को सबसे बड़ा धक्का लगा है। और रूबीना दिलेक ने अपनी बात साझा की है। उन्होंने बताया है कि शुरू में एकता कपूर ने उनका ही नाम कंफर्म किया था उस समय जब वो यानी रूबीना दिलेक बिग बॉस 14 का खिताब अपने नाम किया था, क्योंकि सबकी पसंद थी कि रूबीना दिलेक कैसे बिग बॉस 14 से हटने के बाद में अब नागिन 6 में नज़र आने वाली हैं। और लेकिन नागिन 6 में एकता कपूर ने अदा खान को भी कास्ट करने की बात कबूली थी। एकता कपूर ने पहले भी अदा खान को नागिन 1 में भी रखा था और वाकई में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, लेकिन अदा खान के साथ साथ में रूबीना दिलेक को बाहर का रास्ता एकता कपूर ने बहुत ही सूझबूझ के साथ में किया। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा धक्का लगा है वो रूबीना दिलेक को लगा है, क्योंकि रूबीना दिलेक ने कभी सोचा भी नहीं था कि आदा खान के साथ साथ में उन्हें भी इस सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दोस्तों एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये सबसे बड़ा धक्का है और सभी लोगों को पता है कि रूबीना दिलेक और रूबीना दिलेक के साथ साथ में इसमें आदा खान परफेक्ट नागिन का रोल निभा सकती थी नागिन 6 के अंदर। लेकिन देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अब दो अलग नागिन कैसा इसमें रोल निभाती हैं और कितने एपिसोड आपको दिखाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अदा खान ने बताया है कि इस बार नागिन 6 कोई अच्छा काम नहीं करने वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।